हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चूरमा के लड्डू कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का दरदरा सा आटा आता है वो लिया है। मैंने रेडीमेड भाकरी का आटा आता है उसका यूज़ किया है। ये आटा ग्रोसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। मैंने ये भाकरी का फ्लोर आता है उसका यूज़ किया है। इसके सामने मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इसी तरह से बारीक कट करके लिया है। 1/2 कप घी लिया है। 1/4 कप कोकोनट चिप्स है वो लिया है। मैंने रेडीमेड कोकोनट चिप्स का यूज़ किया है, उसको बारीक बारीक पीस में कट कर लिया है। इसी तरह की रेडीमेड कोकोनट चिप्स आती है इसका यूज़ किया है। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने पॉपी सीड्स का यूज़ किया है, करीबन 1 टीस्पून जितनी है। ये आटा हम मिल्क से लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप गेहूँ का आटा है वो ले लेंगे। उसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। जो हमने 1/2 कप लिया है उसमें से ही 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप पहली बार बना रहे हो और इस मेजरमेंट का यूज़ करके बनाओगे तो आपके ये लड्डू बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। इसी तरह हम मिक्स करेंगे और देखेंगे मुट्ठी बन रही है या नहीं। मुट्ठी बन रही है इसका मतलब ये है कि हमने परफेक्ट मोहन डाला है। आपको इसी तरह का मोहन डालना है, मुट्ठी बननी चाहिए। ये मिक्स हो गया है। अब हम उसमें मिल्क ऐड करेंगे और हार्ड डो बना लेंगे। मिल्क ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप पानी से भी डो लगा सकते हो और मिल्क और पानी मिक्स करके भी डो लगा सकते हो। फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 1/4 कप मिल्क यूज़ हो गया है। ये आटा थोड़ा सख्त है इसीलिए 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे। ये आटा सख्त होगा तो हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। थोड़ा सा और मिल्क की ज़रूरत है इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है। आपके पास गेहूं का दरदरा सा आटा नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूं का आटा ले सकते हो 1 कप और उसके सामने 1/4 कप सूजी डाल के भी ये लड्डू बना सकते हो। हमारा ये परफेक्ट हार्ड आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम उसमें से मुठिया बनाएंगे। हमारी हाथ की मुट्ठी में जितना आटा आ सके इतना आटा लेंगे और बीच में से प्रेस करेंगे इसी तरह से, और इसी तरह से हम मुठिया बना लेंगे। हमने हार्ड आटा लगाया है इसकी वजह से इसमें क्रैक आ रही है, वो नॉर्मल है। बीच में से इसी तरह से प्रेस करने से वो बीच में से कच्चे नहीं रहेंगे और इवनली कुक हो जाएंगे। परफेक्टली कुक होने के लिए ऐसा शेप देना ज़रूरी है। अब हम उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे और उसके बाद उसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से बाहर से ये जल्दी से पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए उसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ही उसकी साइड चेंज करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक उसे फ्राई करेंगे। मैंने इस मुठिया को तेल में फ्राई किया है, आप घी में भी फ्राई कर सकते हो। इसी तरह से उलटते पलटते हम गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। ये परफेक्ट फ्राई होके रेडी हो गया है। हमें इसी तरह का ब्राउन कलर चाहिए। अब हम उसे निकाल लेंगे।
उसको निकालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम उसे ब्रेक करेंगे इसी तरह छोटे छोटे पीसों में, ताकि जब हम उसे ब्लेंडर जार में ऐड करके ब्लेंड करें तो अच्छी तरह से पीस के रेडी हो जाए। अब हम उसे ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और फाइन पाउडर ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ये पीसेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया है, इसीलिए मैंने छन्नी की मदद से छाना नहीं है। लेकिन आपका ग्राइंडर पावरफुल नहीं है तो आप उसे छन्नी की मदद से छान भी सकते हो। हमारा ये चूरमा ग्राइंड होके तैयार हो गया है। इसी तरह का हमें प्रिपेयर कर लेना है। ये लड्डू परफेक्ट माप को फॉलो करते हैं तो बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, और घर में कोई प्रसंग है या भगवान को भोग चढ़ाना है तो भी ये बना सकते हैं। अब हम एक पैन में घी ऐड करेंगे। मैंने जो हाफ कप घी लिया था उसमें से 2 टेबलस्पून यूज़ किया है, बाकी सारा घी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम हाफ कप गुड़ को ऐड करेंगे, इसी तरह बारीक कट करके ऐड करेंगे ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम उसमें 1/4 कप कोकोनट चिप्स ऐड करेंगे, इसी तरह कट करके ऐड करेंगे। अब हम उसे कुक करेंगे। जब तक ये गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे कुक करेंगे। हम उसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका हमें कोई ब्राउन कलर नहीं लाना है। ज़्यादा पक जाएगा तो हमारे ये लड्डू है वो हार्ड बन जाएंगे, इसीलिए हमें लो फ्लेम पे ही उसे कुक करना है, और बबल आना शुरू हो जाए तब तक ही हम उसे कुक करेंगे। मेल्ट हो जाए और बबल आना शुरू हो जाए तब तक ही हम उसे कुक करेंगे। इसी तरह प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करके तुरंत ही उसको चूरमा के मिक्सचर में ऐड कर लेना है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ मेल्ट हो गया है और बबल आना शुरू हो गया है। अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे घी का प्रपोर्शन जो लिया है वो परफेक्ट लिया है, न कम न ज़्यादा। गुड़ का मिक्सचर डालने के बाद तुरंत ही फटाफट मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हाथ की मदद से टच हो सके इतना गर्म होना चाहिए, और तुरंत ही हम उसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/8 जो मेजरिंग कप आता है उसका यूज़ करके लड्डू बनाए हैं, ताकि सभी लड्डू सेम साइज़ के बनके तैयार हो जाए। इसी तरह हम लड्डू बनाएंगे। ये परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हम उसके ऊपर पॉपी सीड्स लगाएंगे, जिसको हम खसखस और पोस्ता दाना बोलते हैं, उससे कवर करेंगे, और इससे उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। हमारा ये लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने सभी लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।